24 दिसंबर रविवार को श्री विष्णु सेवाश्रम विद्यापीठ सिंहदाहा में एनुअल डे वार्षिकोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। एनुअल डे पर बच्चों के द्वारा इंग्लिश एवं हिंदी में नाटक प्रस्तुत किया गया। सभी नाटक बड़े मनमोहक एवं बच्चों के लिए संदेश युक्त थे। सोशल मीडिया बच्चों अभिभावकों के लिए किस तरह घातक है, स्वास्थ्य पर अपार महत्व, पढ़ाई में अत्यधिक कंपटीशन का बच्चों पर प्रेशर, इस तरह के ज्वलंत विषयों पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन भी बच्चों ने खुद ही किया। संचालक रहे 8वीं कक्षा के मनीष पांडे एवं 7वीं कक्षा के आकांक्षा तिवारी। पढ़ाई, खेल एवं अन्य विद्याओं के बेस्ट परफॉर्मर्स को पुरस्कृत किया गया। प्रत्येक कक्षा के प्रथम छात्रों की फीस आधी कर दी गई। इन बच्चों के माता पिता को भी सम्मानित किया गया। जहां तक अलग अलग हाउस का सवाल है, इस साल का सर्वश्रेष्ठ हाउस का खिताब गंगा हाउस को प्राप्त हुआ। गंगा हाउस के कैप्टन देवदास पाठक, वाइस कैप्टन शीतल सिंह, मेंटर लक्ष्मी एवं अन्य सदस्यों के ने इसके लिए समाज सेवी श्री अरुण तिवारी जी के कर कमलों से प्राप्त किया। विद्यालय के निर्देशक श्री किशोर कुमार पांडे जी ने अभिभावकों एवं अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। आज के समारोह में विशेष रूप से उपस्थित थे समाज सेवी प्रोफेसर त्रिवेणी महतो, ब्रजकिशोर चौबे, विजय साव, मुकेश तिवारी, मोतीलाल तिवारी, संतोष साव, संजीव उपाध्याय, प्रकाश दे, सैकड़ों पेरेंट्स उपस्थित थे। लोगों को लगता है कि और उत्साह से मकाम करो, क्योंकि आप जब हमें आशीर्वचन देते हैं और इस विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय की ओर ले जाने के लिए आपकी जो प्रेरणा है उससे हम प्रेरित होते हैं। और अभी हमारे बड़े भाई अरुण दा ने जो कहा कि मैं नमन करता हूँ कि इस तरह अगर यदि हमें इस उत्साहवर्धन समय समय पर होता रहे तो मैं अपने तन मन लगाकर इस विद्यालय को अच्छी शिक्षा की ओर ले जा सकूं। ये पूर्ण प्रयास तो मैं नहीं कह सकता हूँ, आंशिक प्रयास हम लोगों ने किया है और बच्चों ने ये पूर्ण प्रयास किया है। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो आप इतने महत्वपूर्ण समय को निकाल कर हमारे कुछ कहिएगा सर। मैं बस इतना कहूँगा, ये वो स्कूल है जिसमें मैं खुद पढ़ा, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, आने वाले बच्चे भी पढ़ेंगे। तब जो नंबर वन का स्कूल तब भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। आप किस हिसाब से कह रहे हो सर कि नंबर वन तब भी था? तब भी था, उस समय प्राइवेट स्कूल के समय में सबसे बढ़िया स्कूल ही था। इससे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे पोजीशन पर, यहाँ के टीचर भी अच्छे थे, वो टीचर भी अच्छे पोस्ट पे चले गए, सबको ये हो गया। और बच्चे लोगों भी थे, हम लोग से सेशन में सभी बच्चे अच्छे थे। आपका परिचय सर? संजीव उपाध्याय, ग्राम ब्राह्मणडिया, मैं यहाँ पर पढ़ा हूँ। सर आप इसका पहले भी इस महाविद्यालय में सेवा दे चुके हैं सर, SBS सिंहदाहा में, और फिर वर्तमान में अभी भी हैं, क्या कहिएगा सर इस पर लेकर? ये 1987 से चार बच्चों को लेकर के स्टार्ट किए थे, उसके बाद बीच में थोड़ा शिथिल पड़ गया और फिर इसको स्टार्ट किया है। हम लोग तो मन से लगे हुए हैं जो तरक्की हो स्कूल का, इस एरिया सुदूर एरिया में कुछ बढ़िया लड़का तैयार हो करके आगे बढ़े, यही कह करके हम अपना। सर अभी तक देखा जा रहा है पेरेंट्स के द्वारा बड़े बड़े बिल्डिंग देखा जा रहा है, वहाँ के हाई प्रोफाइल देखा जा रहा है, लेकिन SBS सिंहदाहा हम कह सकते हैं कि एक साधारण देखने में स्कूल जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ का पढ़ाई किस तरह का हो रहा है सर, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर मेरी बच्चे अभी 2 क्लास में पढ़ रही है और अभी मेरा बच्चा होली मदर्स अकेडमी पढ़ रहा है 6 क्लास में। मैं गया था अभी होली मदर्स अकेडमी, उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। देखा कि जो होली मदर्स जो प्रोग्राम हुआ, हमको लग रहा उससे बढ़कर आज SBS स्कूल में क्लास में हुआ एनुअल फंक्शन, और ये बहुत गौरवान्वित हो रहा है, हम लोग हो रहे हैं जो इस बच्चे ऐसा मुकाम में और ये छोटा पंचायत में ऐसा ऐसा बड़ा प्रोग्राम होगा, हमको लग रहा है जो आगे चल के ये बहुत ऊंची तक पहुंचेगी स्कूल। क्या कुछ कहिएगा सर आज एनुअल फंक्शन में आप लोग SBS में पधारे हुए हैं? इस स्कूल के बारे में जितनी शब्द कहा जाए कम ही होगा, मैं यहीं का स्टूडेंट हुई हूँ और टीचर भी था कभी,
मेरे गुरुजी केकेपी विजय सर और मनोज सर भी मेरे शिक्षक तो नहीं हैं लेकिन शिक्षक जैसे ही हैं। इस स्कूल की बात चंद शब्दों में यही कहूँगा कि इसकी व्याख्या में जितनी करूँ कम पड़ेगी। इस स्कूल ने इंजीनियर, वकील, डॉक्टर मैंने आईएएस तक की प्रोडक्ट कर चुकी है और आशा है कि इस बार भी लगे हुए हैं, इस बार भी बहुत सारे ऐसे बच्चे आएंगे जो डॉक्टर बनेंगे, आईएएस पास करेंगे और अच्छे अच्छे पोस्ट में बहाल होंगे। अभी शुरुआत है, आगे भी इनका मुकाम हासिल हो जाएगा। क्या कुछ कहिएगा सर, आज एसबीएसबी सिंहदाहा एनुअल फंक्शन पे आप आए हुए हैं? जी मैं काफ़ी प्रभावित हूँ यहाँ के बच्चों का जो कार्यक्रम मैंने देखा, नर्सरी से लेकर 8 तक के बच्चे लोगों ने जो कार्यक्रम दिखाया, मतलब इतना उत्साहवर्धक लगा कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित रूप से इनके जो मेंटर हैं, इनके जो शिक्षक हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है बच्चों के लिए और मैं इस विद्यालय का और बच्चों का भविष्य काफ़ी उज्ज्वल देख रहा हूँ। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में, चूँकि विद्यालय का 2 ही साल हुआ है पुनर्गठन होते हुए और 2 साल में बच्चे अगर इतनी अच्छी तरह से अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आने वाला समय बहुत ही उज्जवल है और मैं आशा करता हूं, विश्वास है मेरा कि इस विद्यालय का भविष्य आगे चलकर बहुत ही उज्जवल होगा और बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। यहाँ पे एसबीएसबी सिंहदाहा स्कूल में आकर आपको सर कैसा महसूस हो रहा है? देखिए मैं स्कूल पिछले 3 बार से आ रहा हूँ और तीनों बार को यदि हम एनालिसिस करेंगे तो हम ये मान सकते हैं कि दिन दुना रात चौगुना गति से स्कूल ने प्रोग्रेस किया है। सिर्फ स्कूल ने ही प्रोग्रेस नहीं किया है बल्कि यहाँ के शिक्षकों ने भी खुद को प्रोग्रेस किया है और यहाँ के बच्चों ने भी खुद को प्रोग्रेस किया है। इस प्रोग्रेस को देख करके हम कह सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं है। जैसे कि अभी प्रिंसिपल सर बता रहे थे कि हम एक विश्व स्तरीय स्कूल बनाना चाह रहे हैं, वो सपना बहुत जल्द ही साकार हो जाएगा और इसके लिए मैं मनोज सर को और इस पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ और यदि कुछ सहयोग पड़े तो हम लोग उसके लिए भी सदा तत्पर हैं और हम ही नहीं आसपास के और लोग भी तत्पर होंगे, ऐसा हम लोग भी अपने तरह से कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर? हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये इस स्कूल की जो ख्याति थी, जो हमारे सर हैं जो हमको पढ़ाए हैं केकेपी, ये स्कूल काफ़ी आगे पहुंचा हुआ था और आज जो फिर इसका पुनर्गठन किया गया है, इसमें मनोज सर, केकेपी सर का जो है सराहनीय योगदान रहा है और बच्चे जिस तरह से अपने हेजिटेशन को भूल करके इतने भीड़ में इतने अच्छे परफॉर्मेंस किए, यदि इन बच्चों को आगे इसी तरह से मोटिवेट किया जाए और एक संस्कार युक्त शिक्षा दिया जाए तो आगे चल के इधर के बच्चे बहुत अच्छे करेंगे और हमको उम्मीद है और ये आशा भी है कि आसपास के जितने भी लोग हैं सब लोग तन मन से इस स्कूल को सहयोग करेंगे और इस स्कूल को आगे बढ़ाने में जो है बहुत ज़्यादा योगदान देंगे। इसी गति से ये स्कूल आगे बढ़ता रहे और बच्चों को प्रेरित करते रहे, हम सब इनके साथ हैं। दादाजी एसबीएसबी सिंहदाहा में क्यों बच्चों को भेजना चाहिए? ये सिंहदाहा स्कूल जो हमारा है विद्यापीठ और जो एनुअल डे का जो प्रोग्राम हुआ है, शिक्षकों से हमारी बातचीत होती रही है 1 महीना से। इतना मेहनत व मुशक्क़त इन लोग किया है कि मैं 100% से ज़्यादा खुश हूँ इन शिक्षकों से। और जो डोनेट किए हैं ये स्कूल या ये ज़मीन, ये पांडे जी, ये तोपचांची अंचल में एक इतिहास रचा हुआ है और ये तोपचांची अंचल में हमारा सिंहदाहा पंचायत, जितने भी तोपचांची स्कूल में CBSE बोर्ड स्कूल हैं उन लोगों से काफ़ी ऊंचा और 1 नंबर स्थान में मेरा सिंहदाहा है। और हमारे बच्चों को ऐसा लगता है कि IPS और IAS बनने में इस शिक्षकों की यही मेहनत ईमानदारी रही तो हमारे बच्चे कभी पीछे नहीं हटेंगे और देश का आपका सुभाष चंद्र बोस जैसा और क्या कहते हैं अम्बेडकर जैसा विद्वान स्टूडेंट बन के देश को आगे करके ही इस पंचायत को भी आगे बढ़ा के हम लोग इत्मीनान और सुकून का नींद लेंगे। यही कह के अपना बात को हम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज। आपका परिचय? मेरा परिचय है लोकवाद पंचायत।